अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केटल सीन्स। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों तो यार आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहां मौजूद हूँ, फार्म तो है ही नहीं, तो दोस्तों हम मौजूद है अपने बर्ड्स फार्म पे। ओए यावर भाई, क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों बर्ड्स फार्म आने का क्या सीन है भाई, आप लोग अभी बताते हैं। यार आते ही आप कहाँ घुस गए अंदर यार, हाँ बाहर निकलो। एक तो यार मोनेस भाई सुकून में नहीं आते, आती हमारी एवरी के अंदर चले गए। आज जो मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। फार्म से अच्छा क्या है ये भाई, अपने फार्म से अच्छा ना कुछ भी नहीं है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, वहाँ पे जो मुझे गोबर में सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। सही बात है यार। तो दोस्तों ये देखिए यार, मैं आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ये हमारी बर्ड्स एवरी है। यहाँ पे हर तरह की फिंच मौजूद है। ये देखिए भाई, यहाँ पे बैठी हुई है स्टार फिंच, यहाँ पे ज़ेब्रा बैठी हुई है, एक और स्टार फिंच, और वो देखिए बड़ी धूम वाली भी एक ब्लैक कलर की बैठी हुई है। यहाँ पे ना आपको सारी की सारी फिंचेस मिलेगी, 90% फिंचेस की म्यूटेशंस ना यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये देखिए भाई साहब, और यहाँ पे ना फुल इनकी ब्रीडिंग चल रही है। देखिए भाई इस तरह से नेचुरल बॉक्सेस लगाए हुए ये वाले, और ये बॉक्सेस ना यार हम लोग अपने फार्म के लिए भी लेके आएंगे। इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है, वाइल्ड सा लुक आता है ना। ये देखिए भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह का एक सेटअप फार्म पे भी होना चाहिए यार। है तो हमारे पास फार्म पे, लेकिन ये बस अबशार नहीं है, इस तरह का नहीं बना हुआ, लेकिन एवरी तो बनी हुई हमारे पास, एवरी तो बनी मगर इंशाल्लाह इसी तरह की हम बहुत अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों भाई मुनिस भाई कह रहे हैं कि इसी तरह की एवरी बनाएंगे अपनी ना, जो हमारे फार्म पे एवरी है ना, जो बर्ड्स एवरी है, इसी तरह की बनाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली यार बर्ड्स फार्म आने का रीजन ये था कि यार आपने देखा कि हमारे पास ना बर्ड्स की ना लेइंग आ रही है, और वो जो बर्ड्स है ना जो अंडे दे रहे हैं वो सही से पाल नहीं रहे, अंडों पे बैठ नहीं रहे, फर्टिलिटी नहीं आ रही। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, हर बर्ड जो होता है ना उसकी नेचर डिफरेंट होती है। हर बर्ड जो होता है ना अपने बच्चे नहीं पाल पाता, अंडों पे बैठ नहीं पाता। तो इसी वजह से ना हम लोग बेंगलाइज फिंच, आप लोगों को याद होगा कि यार फोस्टरिंग जब मैंने दिखाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, जब बर्ड फार्म आया था तो वो फोस्टरिंग जो कर रही थी ना, जो अंडों पे बैठ के बच्चे पालती थी, वो बेंगलाइज फिंच है। तो बेंगलाइज फिंच जो है ना हमारी बर्ड्स एवरी में बिल्कुल कम है, तो वो लेने आया था मैं। तो मैंने सोचा कि यार फार्म जाऊंगा, वहां पे ना बहुत सारी बेंगलाइज फिंच पकड़ूंगा और अपनी ना बर्ड्स एवरी में छोड़ देंगे, ताकि ना वहां पे जो अंडे आ रहे ना उनकी अच्छी से देखभाल करें। वो अंडे को देख के पकड़ के बैठ जाती है ना, और फिर उसमें से बच्चे निकाल के छोड़ती है। तो अभी चलते हैं यावर भाई के पास, उनसे बोलते हैं यार हमें अच्छी अच्छी बेंगलाइज निकाल के दे, जो अच्छे अच्छे बच्चे पाले। क्यों भाई? जरूर जरूर जरूर। वो बच्चे तो दिखाए आप, अपने अपने बच्चे। यार यावर भाई की अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ भाई यावर भाई, फिर आज कहाँ कहाँ विजिट करा रहे हो? आपको माशाल्लाह फर्स्ट टाइम अंडे फोस्टर करते हुए दिखाए थे इन बैंक के में, जितनी भी गोल्डियन आज उनके पट्टे दिखाते हैं, जो क्लच आया हमारे। ये देखिए दोस्तों यार, ये गोल्डियंस के पट्टे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से यार किस तरह से फ्लाइंग केज में ना फ्लाई सीख रहे हैं अपनी। दोस्तों हमारा जो कैटल फार्म है ना, वहाँ पे भी हमने ना यार ये गोल्डियन फिंचेस भी रखी हुई हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही ब्लैक नजर आ रहे होंगे, इनके कलर सही अभी आए नहीं है। ये बहुत ज्यादा कलरफुल फिंचेस, जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी ना, ये अपने कलर्स और डार्क करती रहेगी और कलर्स लाती रहेगी। तो ये अभी पट्टा है ऐसा ही है यार भाई, एक निकाल के दिखा दो। मैं तो कह रहा हूँ एक ना पट्टा दिखा देते हैं दोस्तों को, और एक अडल्ट भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ऐसी सीन करते हैं, आप लोगों ने एक पट्टा और एक अडल्ट निकाल के दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस ना यार कि छोटा कैसा है और बड़े होके ना किस तरह की कलर्स ले आएगा, और अल्लाह की कुदरत कैसी है। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से यार, ये देखिए ये गोल्डियन का मेल है, और ये देखें कितने प्यारे कलर्स में, ये फुल अडल्ट मेल है। और ये देखें ये पट्टा है जो वहां पे आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें से हमने एक पट्टा निकाल दिया, और ये ना एक फुल ब्रीडर पेयर यावर भाई लेके आए हुए। इनमें ना दोस्तों अभी बच्चों में ना पट्टों में पता नहीं चलता कि यार मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। यावर भाई से पूछते हैं कि भाई क्या सीन है इनका, कब पता चलेगा? जब ये मोल्ड कर रहे होते हैं ना कलर अपना, तो फीमेल जो है वो लाइट की तरफ पैचेस लेके जा रही थी, मेल बहुत खूबसूरत और खूबसूरत डार्क पैच करता रहता। अच्छा, मतलब मेल जो होता है वो डार्क कलर्स में होगा सिंपल, और फीमेल जो होगी लाइट कलर्स में होगी, मेल खूबसूरत होगा। और इसमें एक चीज और है, इसमें आप डॉट्स देख रहे होंगे पट्टे के, जो डॉट्स आ रहे हैं। हाँ, इस डॉट से पता लगता है कि ये किस म्यूटेशन का बच्चा है। अच्छा दिखाए इसके कौन से, देखिए ब्लू आ रहे हैं इसका, ब्लू और व्हाइट। मतलब ये फटेगा, मतलब यहीं से ये कलर्स फटेंगे, और ये व्हाइट और ब्लू और डार्क ब्लू ऐसे कलर्स में आ जाएगा। वाह यार दोस्तों ये देखिए, अगर ये ना डिफरेंट कलर्स में और ये डिफरेंट कलर में बड़ा होगा, ये किस तरीके से पता चल रहा है? ये देखिए दोस्तों इसमें ना, ये देखिए यहाँ पे ना ब्लू आ रहा है, ये चोंच के बराबर में ना ब्लू और व्हाइट शेड आ रहा है ना, ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहा होगा, इसका यही कलर फटेगा और इस पे पूरा यही कलर आएगा। मतलब ये पैदा होते ही इनको ये पता चल जाता है कि ये कलर कौन सा आने वाला है। वाह यार ये देखिए, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से कलर में, लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा मेल है या फीमेल है।
बिल्कुल ऐसी है, वो बाद में पता चलेगा आफ्टर मोल्ड। सही। तो दोस्तों ये थी हमारी गोल्डियन। गोल्डियन का मैंने आपको दिखाया कि भाई बच्चा कैसा होता है, बड़ा कैसे होता है, उसके कलर्स का आपको कैसे पता चलता है बचपन में, मेल फीमेल का आपको बड़े होकर पता चलेगा। तो ये सारा ना गोल्डियन का ब्रीडिंग सेटअप है, ये सारी गोल्डियन अंदर मेल फीमेल ब्रीडर पेयर लगे हुए और ये बॉक्सेस लगे हुए, इसमें अंडे आते हैं और फिर वो अंडे ना ये लोग बैंगलोर दे देते हैं, जो मैं आज लेने आया हूँ अपने बर्ड्स एवरी के लिए। तो ये सीन है भाई, इस तरीके से ना ये पूरा बर्ड्स फार्म चल रहा है। मतलब गोल्डियन अंडे देगी, उसके अंडे फोस्टर करेंगे बेंगलाइज के नीचे, बेंगलाइज अंडे निकालेगी और फिर वो बच्चे पट्टे उसमें जाएंगे, फ्लाइंग केज में बड़े होंगे और वो फिर एक दिन इसी केज में लगे हुए ब्रीड कर रहे होंगे। माशाल्लाह यार, बड़ा ही वीआईपी सेटअप है। यावर भाई आपसे एक काम था यार। जी बोले, क्या काम बताइए। मुझे चाहिए बेंगलाइज, वहां पे ना मेरे पास बर्ड्स फार्म पे अंडे तो आ रहे हैं, सही है, लेकिन उसमें फर्टिलिटी नहीं आ रही। जो पार्सन फिंच है ना, उसने अंडे दिए, उसके अंडे में फर्टिलिटी नहीं है ना। अच्छा, तो उसका भी सीन बताएं, क्या सीन है उसके अंडे में फर्टिलिटी। बैठी हुई है पूरा वक्त, बैठी हुई है, जब भी मैं कैमरा खोलता हूँ ना उसके सामने। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं कैमरा लेके जाता हूँ, वो एक ही फिंच है जो आके कैमरे में भी घुसती है, मेरी आंख में भी घुसती है, लेकिन वो बैठी हुई हर वक्त होती है, लेकिन फर्टिलिटी नहीं आई उसके अंडों में। वेदर की वजह से मैं भी पॉसिबल है ह्यूमिडिटी का इशू आया हो, तो वो एग के अंदर फर्टिलिटी नहीं आई होगी। तो मैं आपको बैंगलाइज दे देता हूँ, बैंगलाइज तो आपने नहाने का पानी भी देना ताकि वो उस पर जाके बैठे हो और फिर आपके अंडे फर्टाइल वीआईपी हो जाएगा बैंगलाइज से काम इंशाल्लाह। तो दोस्तों यही सीन करते हैं, जल्दी से यावर भाई से बैंगलाइज पकड़ते हैं और जल्दी से चलते हैं फार्म पे और वहाँ पे ना एवरी में छोड़ते हैं। क्या सीन है यावर भाई, कहाँ है फिर? मैं आपको ऊपर से देता हूँ, जहाँ फोन जावर भी लगी हुई, डब भी लगी हुई है, चले आपको तो याद है, देखा होगा आप लोगों ने। यार लास्ट टाइम मैं आपको देख के गया था कि फोन जावर की ब्रीडिंग चल रही थी, क्या सीन चल रहा है फिर उसका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको आज सरप्राइज फोन जावर के लिए बहुत सारा। ओए होए होए। तो दोस्तों लास्ट टाइम ना मैंने आप लोगों को ऊपर का सेटअप दिखाया था, वहाँ पे ना फरान भी लगे हुए थे जावर की ब्रीड लेने में और डब की भी ब्रीड लेने में। तो वो भी चल के देखते कि भाई क्या सीन है उनकी, क्या ब्रीड आई है, जावर कैसी चल रही है, जो फोन जावर थी आप लोगों को दिखाया था उसकी ब्रीड कैसी आई है और डब की ब्रीड कैसी आई है आपको चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा का पूरा ना ब्रीडिंग सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे ना सारी की सारी बेंगलाइज लगी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंडे फोस्टर करती हैं सारी पिंचों के ना। जावा के भी बच्चे ये पालेगी, गोल्डियन के भी, जेबर के भी, मतलब सारी की सारी जो पिंचेस है ना उसके अंडे। लास्ट टाइम हमने अंडे फोस्टर किए थे इधर, हाँ याद आया, नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए होए, दोस्तों आप लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो में देखा होगा कि यार हमने जो अंडे रखे थे ना, मैंने दिखाया था यावर भाई अंडे रख रहे थे और मैंने बोला था कि यार आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि अंडे फोस्टर कैसे किए जाते हैं। तो भाई ये वही अंडे, उनके पट्टे ना बच्चे भी आ गए यार, दिखाओ ना निकाल के यार, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे तो यार। हमारी वीडियो में ये रखे थे हमने अंडे और आज बच्चे आए हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े बड़े, क्या दिख रहे हैं। ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। यावर भाई ये कौन सी है? ये येलो बैक की है, पे बर्ड ना पट्टा, जो येलो बैक का पट्टा है और ये स्प्लिट रेड आई भी होगा अगर मेल हुआ। ये गोल्डियन है? जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए भाई येलो हेड और फुल यार म्यूटेशन में था। ये अंडा हमने अपनी वीडियो में रखते हुए दिखाया था और माशाल्लाह से ये देखिए इतनी प्यारी सी फिंच आई है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है, अंडे उठा के बस आपको बेंगलाइज को देने, बेंगलाइज खुद ब खुद उसका काम है भाई, वो अंडे पे बैठेगी, बच्चे निकालेगी, बच्चों को फीड कराएगी, बड़े करेगी, जब वो बड़े हो जाए फिर आप उसको फ्लाइंग केज में छोड़ सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसका एक सिबलिंग में बच्चा रेड आई भी है। अच्छा, तो दोस्तों ये बता रहे इसका जो सिबलिंग्स है ना, मतलब इसके साथ जो एग्स आए थे और जिसके साथ रखे थे उसमें ना रेड आईज भी निकले, माशाल्लाह। तो दोस्तों अब यावर भाई निकाल रहे रेड आई वाला, जो उसका भाई है ना जो इसके साथ ही रखा था, वो रेड आई में जो निकला है वो भी निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। कह रहे भाई सब्सक्राइबर्स को दिखाओ, सब्सक्राइबर ने देखे भी थे माशाल्लाह, इसकी आईज देखे रेड। ओए होए माशाल्लाह, ये देखिए भाई रेड आईज है, माशाल्लाह बोल रहा है सबने। जरूर जरूर यार, देखें भाई दोस्तों सबको माशाल्लाह बोलना है, ये मेहनत है, ये काफी दिनों की मेहनत है। पहले ना यार ब्रीडर पेयर को अच्छी सी फीड देनी पड़ती है, उसकी अच्छी सी टेक केयर करनी पड़ती है, उसकी हेल्थ अच्छी हो, अच्छे आगे जाके रिजल्ट देगा, अच्छे बच्चे देगा। तो और फिर वो अंडे आते हैं, फिर उसको सब करना, फोस्टर करना, सारा प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। फोन जावर के लिए मैंने सरप्राइजेस दिखाए थे लेकिन सबने माशाल्लाह बोलना है जरूर 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 जरूर। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से, ये देखिए फोन जावर के कितने हैं, ये माशाल्लाह चार बच्चे हैं और ये भी एक बॉक्स है माशाल्लाह, लगातार बॉक्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा फोन जावर जो है ना अभी वन ऑफ द मोस्ट मार्केट में हॉट प्रोडक्ट है जो चल रहा है और माशाल्लाह से भाई उसकी हमारे पास ना ये टोटल यहाँ से लेके वहां तक ये पूरी फोन जावर है और ये भी पूरी फोन जावर है और अल्लाह का शुक्र है सब में अंडे बच्चे हैं। सबके दिखाने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप मुझे बैंगलाइज दे दो। आपको दोस्तों जब मैं बर्ड्स फार्म आ रहा था ना तो फरहान भाई को मैंने कॉल करी थी, यार फरहान भाई एक ना ब्रीडर बकरा भी चाहिए अपने फार्म के लिए ना गुलाबी में। तो फरहान मैंने बोला यार मैं एक जगह हूँ, रास्ते में हूँ, यहीं से ना मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ, तुम एक काम करो तुम बर्ड फार्म चले जाओ, मैं वहां चले जाता हूँ, वहां पे जाके ना मैं बकरे देख लेता हूँ। तो अभी वो देख के आए भाई, कह रहे इतने महंगे महंगे रेट मांग रहे हैं कि भाई कोई हद ही नहीं है, डबल डबल पैसे मांग रहे हैं, ऐसा ही है?
डबल पैसे मांग रहे हैं, इतने का नहीं। दिखाओ कोई चीज तो दिखाओ, कोई वीडियो वीडियो बना के लाओ। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से यार कितना ही कोई टाइट बकरा है, लेकिन इसके डबल पैसे मांग रहे हैं, फायदा नहीं है। लेकिन ये देखिए फुल गुलाबी में बड़े बड़े कान और हाइट पे देखे फरहान भी अच्छी खासी हाइट लग रही है इसकी, बंदे तक आ रहा है। हाइट अच्छी है, बकरा अच्छा था, नस्ल भी अच्छा था, और दूसरा ये कान वगैरह इसके थे तकरीबन 25 इंच से 24 इंच के कान। यार अच्छी सी ब्रीड आती है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, इतने पैसे डबल डबल थोड़ी ना भरेंगे, अच्छी सी चीज लेके आएंगे। ढूंढ रहा हूँ दोस्तों मैं गुलाबी बकरा ना, अच्छा सा ब्रीडर, अगर आपके पास भी है ना तो आपके पास मेरा नंबर भी है, तो मुझे जरूर वीडियोस भेजिए, अच्छा सा गुलाबी बकरा होगा मैं आप लोगों से जरूर परचेज करूंगा। क्यों भाई सब्सक्राइबर्स भी तो दे सकते हैं बिल्कुल, अगर किसी के पास है तो आप अच्छी नस्ल में हो, लेकिन वीआईपी सी चीज हो। तो फार्म पे हम लोग आपको ब्रीडिंग रिजल्ट दिखाएंगे भाई, आपके लिए ले रहा हूँ, आप लोगों को हम लोग ब्रीड करा के दिखाएंगे, तो अच्छी सी चीज भेजिएगा दोस्तों ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट दिखाएं हम। अबे यार यावर भाई कहाँ चले गए यार, अभी यहीं पे खड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ निकल गए, खड़े खड़े मुझसे बातें करते करते गायब हो गए, फरहान भाई भी चले गए, कहाँ हो भाई? अबे भाई यहाँ भी नहीं है, तो फुल भूल भुलैया है। अबे कहीं से आवाज आई, अबे अबे कहाँ यार इन केजेस के बीच में छुप के बैठे हुए यार, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने एकदम से गायब होकर आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मैं लिटरली 5 मिनट से वहां पे खड़ा हूँ, फरहान भाई नीचे चले गए, फरहान भाई नीचे चले गए, मैं यावर भाई कर रहा हूँ, अच्छा अभी बोल भी नहीं रहे थे, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी ना मैंने चलो वीडियो में ढूंढते, एकदम से निकल आए, बेंगलाइज देख रहे थे, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, चलो चलो चलो। माशाल्लाह से यार दोस्तों आप देखें इतना ही बड़ा है ना, मतलब एक बंदा तो घूम ही जाए अंदर, यहाँ पे नजर भी ना आए। तो दोस्तों ये देखिए यार, ये हमारी ना 6 बेंगलाइज फिंच ने इन्होंने निकाल दिए, ये ट्राई हुए, मतलब तीन तीन इन्होंने निकाली है, ये तीनों ना मतलब अपने अपने क्या करेंगे, क्या सेटअप बनाना है इनका आप बताओ ना। इनका सेटअप ये बनाना है, अपने 3 एक केज में लगानी है, 3 एक केज में लगानी है, वहाँ लगाना है एक एक बॉक्स। केज तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास एवरी है, आप एवरी के अंदर आपके पास केजेस इंशाल्लाह दे दूंगा मैं, केजेस भी आपको चाहिए, मतलब एवरी के अंदर आप कह रहे हैं कि हम अलग से केजेस रख दें, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें बेंगलेस छोड़ें और अंडों का अलग। अच्छा तो दोस्तों बिल्कुल ही अलग सीन बनाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ना बर्ड्स एवरी के अंदर जो आपकी बर्ड्स एवरी है ना उसके अंदर ना एक केज बनाओ, उसके अंदर ना बेंगलेस बॉक्सेस ला के छोड़ दो, उसको दे दो क्या डमी एग्स, जब तक वो डमी एग्स पे बैठेगी वो ट्रेन होगी, जैसी दूसरी कोई अच्छी फिंच अंडे देगी आपको उसके अंडे उठाने, और ये डमी एग्स उठाने वहां से बेंगलेस के पास, और बेंगलेस के पास असली अंडे रख देने, लेकिन पहले चेक करना है बेंगलेस इस अंडों पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ऐसे नहीं रखने, हल्के गर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे। सही, तो वीआईपी सेटअप हो गया दोस्तों, हमें ऐसी सीन करना पड़ेगा, अंदर कोई ना हमें छोटा केज ला के रखना पड़ेगा, उसमें ना अलग से हम लोग बेंगलेस सेट करेंगे। जल्दी से इसको उठाते हैं और लेके चलते हैं अपने फार्म पे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो ना यार थोड़ी लंबी हो रही है, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं फार्म पे जाके ना फिर से वीडियो कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह, वो कल अपलोड कर लूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ ना बहुत लंबी होती जा रही है, तो इतनी लंबी वीडियो में ना मजा नहीं आता आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग भी बोर हो जाएंगे अगर 20-22 मिनट की वीडियो होगी, तो मैंने सोचा कि यार 10-12 मिनट की वीडियो डेली बनाया करो और वही अपलोड करा करो, तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे कर देंगे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्त कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।